अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, फ़ाइनल कॉल आउट हो चुकी है मिस्टर ओलंपिया की, और इस कॉल आउट में हमें एक चीज़ नज़र आई है कि बिग रैमी को सेंटर में भी मूव किया गया है, फिर साइड पे मूव किया गया, लेफ्ट पे, राइट हैंड साइड पे भी किया गया। तो आई थिंक ये ओलंपिया काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहा है कि कौन विन कर रहा है। सोशल मीडिया में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि बिग रैमी लूज़ कर रहे हैं और हादी चुपैन एक नए मिस्टर ओलंपिया के रूप में सामने आ रहे हैं लोगों की कन्वर्सेशन में। बट आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या हादी चुपैन विन कर रहे हैं और सेकंड पे क्या निक वॉकर रहेंगे? अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा बिग रैमी के लिए, क्योंकि बिग रैमी जो हैं वो टू टाइम मिस्टर ओलंपिया हैं, और प्रेफरेंस भी रहती है रनिंग ओलंपिया को कि जजेस जो हैं उनको सेंटर में कॉल आउट करते हैं। बट इस ओलंपिया में कुछ चेंजिंग देखने में आई कि जजेस ने जो है वो थोड़ा सा जो है वो सरप्राइजिंग रखा है मिस्टर ओलंपिया का जो है विनर, और आगे देखेंगे क्या होता है। मुझे उम्मीद तो यही लगती है कि हादी चुपैन या मिस्टर ओलंपिया अपना बिग रैमी होंगे, बट कुछ कह नहीं सकते। डेरिक को भी काफ़ी जगह मूव किया है इन्होंने, डेरिक, हादी, निक वॉकर, तो देखते हैं कि फ़ाइनल में क्या होता है। आप लोगों का क्या ख्याल है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मिस्टर ओलंपिया इस साल का कैसा रहा है। आई थिंक इस वक्त काफ़ी लोग, काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो फुलर होके आए हैं और काफ़ी टाइट टफ़ कंपटीशन देखने को मिला। एक तो ओलंपिया के जो हैं ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किया है लोगों ने, सिर्फ इसमें नहीं क्लासिक में और दूसरी 212 कैटेगरी में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वन ऑफ़ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं इसको ओलंपिया रहा है कॉम्पिटिशन इस साल का। इंटरेस्टिंग तो रहा ही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहा है, बट मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है मिस्टर ओलंपिया 2022। आप मुझे ज़रूर बताइएगा लिखकर कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ख्याल है, हादी चुपैन नए मिस्टर ओलंपिया बनेंगे या नहीं, या बिग रैमी 3 टाइम जो है वो मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफ़ी ले पाएंगे। अच्छा, निक वॉकर की मुझे लग रहा है 3rd पोजीशन आनी है जिस तरह से मूव कर रहे हैं इनको जजेस। अच्छा, निक वॉकर की कंडीशनिंग फ़ाइनल में काफ़ी टाइट नज़र आई है, और टाइट कंडीशनिंग की वजह से मुझे लगता है कि शायद वो 3rd पोजीशन ले पाएंगे। ब्रैंडन साइज़ में बड़े आए हैं, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बल्कि उनमें आ रहा है एक बल्किनेस आ रही है, और देखें। बट ये है कि वो भी अच्छी अपनी कंडीशनिंग तो बहुत अच्छी लाए हैं वो, और मोस्ट मस्कुलर पोस्ट तो ब्रैंडन का क्या कहना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करते हैं मोस्ट मस्कुलर। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ओलंपिया का विनर कौन रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं।